असद खान बीसीसीआई के द्वारा आयोजित अंडर 23 बीके नायडू स्पर्धा में 10 मैचों में 400 रन बनाए थे और 36 विकेट अपने नाम किए थे, और इन्हीं प्रदर्शन के बाद मुंबई इंडियंस ने 20 लाख के बेस प्राइज में खरीदकर अपने टीम में शामिल कर लिया। और आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिला और अपने डेब्यू मैच में ही 3 विकेट लेकर अपना ऑलराउंड प्रदर्शन दिया था। मोहम्मद अरशद खान का जन्म 20 दिसंबर 1997 को मध्य प्रदेश के सिवानी जिले के एक छोटे से गांव गोपालगंज में हुआ था। इनके पिता अशरफ खान गांव में ही कपड़े सिलाई का काम किया करते थे। वहीं अरशद के परिवार में अरशद के अलावा इनकी 3 बड़ी बहनें भी हैं। अरशद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव के ही सरकारी स्कूल से पूरी की। अरशद जब 4 साल के थे तभी से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। जब वह 8 साल के हुए तो अपनों से बड़ों के साथ क्रिकेट खेलने लगे और उनकी गेंदों पर ये छक्के भी मारा करते थे और अपनी गेंदबाजी से उनके विकेट भी लिया करते थे। जब यह बात उनके पिता ने सुनी तो अपने बेटे के अंदर क्रिकेट की छवि देखी और उन्होंने अरशद को क्रिकेट में और बेहतर बनाने के लिए क्रिकेट एकेडमी भेज दिया, जहां उनको क्रिकेट में उनके पिता के साथ कोच अब्दुल कलाम खान ने क्रिकेट की हर बारीकी चीजों को सिखा दिया। अरशद खान के पिता चाहते थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्रिकेटर बने, बल्कि मेरा नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करे। अरशद खान अपने जिले की ओर से खेलते हुए गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसके बाद साल 2012 में मध्य प्रदेश के अंडर 16 टीम में खेलने को मौका मिल गया, जहां इन्होंने 5 मैचों में 7 विकेट लिए थे और 365 रन बनाए थे और अपना ऑलराउंड प्रदर्शन दिया था। इसके बाद साल 2015 में अंडर 19 टीम में भी खेलने को मौका मिला था और साल 2017-18 में अरशद खान अंडर 23 टीम का भी हिस्सा थे और साल 2020 में बीसीसीआई द्वारा आयोजित अंडर 23 बीके नायडू में इन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसमें इन्होंने 10 मैचों में 36 विकेट अपने नाम किए थे और बल्ले से 400 रन बनाए थे और सीरीज जिताने में अपनी टीम का साथ दिया था। इसके अलावा इन्होंने 2020 में विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अपना अच्छा प्रदर्शन किया था और इन्हीं सब प्रदर्शन के देखने के बाद आईपीएल 2022 के मेगा ऑप्शन में मुंबई इंडियंस ने 20 लाख के बेस प्राइज में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन आईपीएल 2022 में इनको एक भी मैच खेलने को मौका नहीं मिला, लेकिन वहीं आईपीएल 2023 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ डेब्यू करने को मौका मिला और अपने डेब्यू मैच में ही 3 विकेट लेकर सबको हैरान कर दिया। अभी अरशद को आईपीएल 2023 में सिर्फ 5 मैच ही खेलने को मौका मिला है और इन्होंने 5 विकेट अपने नाम किया है, लेकिन इस बड़े मुकाम पर अरशद को अभी उतने मौके नहीं मिले हैं। अगर इस बड़े मुकाम पर अरशद को उतने मौके मिलते तो अपने खेल का प्रदर्शन दिखा पाते। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अरशद खान की संघर्ष की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।